अगर आप कभी मुंबई गए हो तो आपने वहाँ का स्पेशल बड़ा पाव तो ज़रूर खाया होगा, जो देश के सभी हिस्सों में इक्वली पसंद किया जाता है। तो आज की रेसिपी है वही मुंबईया स्टाइल बड़ा पाव। हेलो एवरीवन, डिवाइन डिलीशियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा पाव बनाने के लिए मैंने 8 लादी पाव लिए हैं और साथ में लिए हैं 4 उबले हुए आलू। आलू को प्रेशर कुकर में 4-5 सीटी लगाने के बाद ठंडा होने के बाद मैंने इसके छिलके उतार के रख लिए हैं और अब इसको मैश कर लेंगे। आलू को हाथों से क्रश करने के बाद एक बोल में मैंने लिया है 250 ग्राम बेसन, और बेसन के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चावल का आटा। इससे जब हम ये इसके कोफ्ते तलेंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो चावल का आटा आपके पास है तो डाल दीजिए, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन हाथों से क्रश करके ही डालें, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और हाजमा भी ठीक रहता है। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, क्योंकि जो इसका बैटर बनता है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, पकौड़ी से जो हम पकौड़ी तलते हैं ना उससे थोड़ा सा गाढ़ा। तो पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स ना बने। तो करीब आधा गिलास के करीब पानी मैंने इसमें डाल दिया है। बेसन का घोल तैयार है, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून हल्दी और चुटकी भर सोडा। इस सबको मिक्स कर लेंगे। बेसन का घोल रेडी है, अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन कुछ भी ले लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। तो हम बड़ा पाव का मसाला तैयार कर रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 से 5 साबुत लाल मिर्ची। इसको 2-3 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्ची बस 1 से 2 मिनट में जैसे ही रोस्ट हो जाए इसको हम अलग प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इससे मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो आप ये स्टेप कीजिए, वरना आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और बस ये जब ये अच्छे से रोस्ट हो गई है तो इसको मैं अलग प्लेट के अंदर निकाल रही हूँ। और बस इसको मिर्ची को निकालने के बाद इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप मूंगफली के दाने। तो मूंगफली को भी हमें इसी तरह से रोस्ट करना है। लगातार स्टर फ्राई करने से 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से भुन जाती है। और बस जब ये अच्छे से भुन जाए तो इसको भी उसी प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे। अब इसी बचे हुए ऑयल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 8 से 10 लहसुन की कली। इसे भी हमें इस तरह से स्टर फ्राई करना है जिससे लहसुन का जो है कच्चापन निकल जाए। और इस तरह से मसाला तैयार करने से आप 8 से 10 दिन तक इसको फ्रिज में आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो 2 से 3 मिनट तक इसको भी फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसको भी हम उसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। और बस अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप नारियल का पाउडर। तो अभी ये कढ़ाई हमारी गर्म है, इसके अंदर ऐसे ही हमें इसे रोस्ट करना है। इस तरह से रोस्ट करने से नारियल का जो नमी है और कच्चापन है वो दोनों ही खत्म हो जाएगा और मसाला हमारा 8 से 10 दिन तक खराब नहीं होगा। तो बस अब ये रोस्ट हो गया है, इसको भी हम प्लेट में निकाल के अलग रख देंगे। और जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है हम आलू फ्राई कर लेते हैं। वापस उसी कढ़ाई के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हींग पाउडर, 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून ही जीरा। और साथ में ऐड कर देंगे 10 से 12 करी पत्ता। और जब ये चटकने लगे इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इस सब को हम थोड़ी देर भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ में ऐड कर देंगे हल्का सा पानी जिससे हल्दी जो है वो जले नहीं।
और इस समय हल्दी डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो बस जैसे ही रोस्ट हो जाए इसके अंदर हम आलू मिक्स कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आलू में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इस समय 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और वो काफ़ी स्पाइसी हो जाता है क्योंकि मसाला जो है वो बहुत ही स्पाइसी है, तो मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब स्पून की हेल्प से आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे और इसी समय इसमें मिला रही हूँ 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। आप अगर अमचूर नहीं खाते हैं तो इसकी जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। आलू का मसाला कढ़ाई छोड़ने लगा है तो बस अब ये रेडी है, इसे ठंडा होने देते हैं। अब तक रोस्ट किया मसाला ठंडा हो गया है तो मिक्सी के जार में डाल के इसे पीस लेंगे। पीसते समय इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड कर देंगे और एक बार मिक्सर ग्राइंडर में इसको चला लेंगे। मसाला पीसने के बाद इसे एक बोल के अंदर निकाल लेंगे और अगर ये बसता है तो इसे आप 8 से 10 दिन तक एयरटाइट कंटेनर में पैक करके फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। आलू भी ठंडे हो गए हैं, अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। आप इस समय चाहें तो हरा धनिया इसमें ऐड कर सकते हैं। इस मसाले से 11 से 12 आलू के रोल्स तैयार हो जाएंगे और बस अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो अभी बेसन भी एक बार चेक कर लेते हैं। बेसन की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। अब आलू के बॉल्स को एक एक करके इसके अंदर डुबोएंगे। तब तक तेल को चेक कर लेंगे। तो हल्का सा मैंने इसके अंदर बेसन डाल के देखा है, अभी अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है तो थोड़ा सा और गरम होने देते हैं। तब तक 4 से 5 हरी मिर्ची इसके अंदर डाल के इसको एक बार डीप फ्राई कर लेंगे। 1-2 मिनट तक ही हमें इसे फ्राई करना है, जब तक ये थोड़ी नरम हो जाए। तो बड़ा पाव के साथ ये फ्राई की हुई मिर्ची बहुत ही टेस्टी लगती है। बस इसको उलट पुलट करके तुरंत ही बाहर निकाल लेंगे। तब तक हमारा तेल भी जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है और हम जो इसमें कोफ्ते तलेंगे वो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो बस अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम बेसन के कोफ्ते। फ्लेम मैंने मीडियम पर कर दी है। अब बेसन के अंदर आलू का रोल डिप करके और बेसन टपकाते हुए, एक्स्ट्रा बेसन जो है वो मैंने बोल में ही छोड़ दिया है और उसको कढ़ाई में डालते जाएंगे। मैं एक बार में 3 से 4 कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप उतने एक बार में फ्राई कीजिए। आप देख पा रहे होंगे मैंने बोल को बेसन के अंदर डाला है और बेसन से अच्छे से कवर करते हुए एक्स्ट्रा जो है वो मैंने इसमें टपका दिया था बोल में, और बाकी का मैंने जो है वो तेल में छोड़ दिया है। तो एक्स्ट्रा बेसन जो है वो बोल के अंदर गिर जाएगा और बाकी का जो है हम बचा हुआ वो कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, तो इससे एक्स्ट्रा बेसन आसपास चिपकेगा भी नहीं। अब मीडियम फ्लेम पर इसको एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देंगे और जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तभी हम इसको टर्न करेंगे। दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिकने के बाद हम इसको एक चलनी के अंदर निकाल लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। बाकी के कोफ्ते भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब फटाफट हम बड़ा पाव तैयार कर लेते हैं। तो एक पाव लेके बीच में से इसके कट लगाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे हम हरे धनिए और पुदीने की चटपटी चटनी। चटनी की रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब मैंने इसमें बड़ा पाव मसाला डाला है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा पसंद करते हैं कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और बीच में हम रख देंगे ये फ्राई किया हुआ कोफ्ता और बस लीजिए हमारा मुंबईया स्टाइल बड़ा पाव एकदम तैयार है। इसी तरह से एक और बड़ा पाव तैयार कर लेंगे। हरे धनिए की चटनी लगाएंगे, मसाला रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे कोफ्ता और साथ में रख देंगे फ्राई की हुई हरी मिर्ची। तो हमारा मुंबईया स्टाइल बड़ा पाव एकदम तैयार है। बना के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बना के एक बार देखिएगा ज़रूर। बिल्कुल वही मुंबईया स्टाइल टेस्ट आपको मिलेगा। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।